ये पहला स्टोर, दूसरा स्टोर और ये है दोस्तों तीसरा स्टोर, चौथा स्टोर। बहुत ही धमाकेदार होने वाली है आज की वीडियो। और यहाँ पर दोस्तों इस स्टोर में है बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी और बिल्कुल डिफरेंट कलेक्शन। और ये है दोस्तों पांचवा स्टोर, छठा स्टोर, सातवां स्टोर और ये है दोस्तों आठवां स्टोर, नवां स्टोर, दसवां स्टोर। तो चलिए दोस्तों मैं आज आपको लेके चलता हूँ ग्यारहवें स्टोर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टॉक रखा हुआ है, आप पीछे भी देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पर इनका जो माल है, यहाँ पर जो स्टॉक है इनका कंटिन्यूसली आया जा रहा है। मैं एक बार कैमरामैन को बोलना चाहूँगा एक बार इधर से दिखा दीजिए, इनका जो सबसे बड़ा स्टोर है वो है दोस्तों ग्यारहवां स्टोर। और यहाँ पे दोस्तों इतनी सारी वैरायटी मिलने वाली है, आप कभी सोच भी नहीं सकते। यदि एक बार किसी एक प्रोडक्ट को लेने के लिए आते हैं आप, तो यहाँ से आप बहुत सारे आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है। इस तरीके से दोस्तों इनके पास टोटल 11 वेयर हाउस है, 11 स्टोर है। 99 की सबसे बेस्ट आइटम हमारी होती है गारमेंट्स, जैसे कि ये कुर्ती 99 रुपीज, ये प्लाजो 99 रुपीज और एक नंबर की क्वालिटी मिलेगी आपको गारमेंट्स में। सिर्फ कुर्तियां तो हमारी स्पेशल रहेंगी, 99 में ऐसी कुर्ती कभी नहीं देखी होगी। जैसे ये डिजाइन भी 99 रुपीज का है, कुर्ती के अंदर हमारे पास 60-70 डिजाइन आएंगे, सभी नहीं दिखा सकती आपको, इसलिए 99 की कुर्ती, 99 का प्लाजो। एक तीसरा डिजाइन और लास्ट डिजाइन दिखाएंगे जो आपको है हमारे पास 60 डिजाइन, तीसरा डिजाइन लास्ट डिजाइन दिखाएंगे। 99 रुपीज कुर्ती, 99 का प्लाजो, प्योर कॉटन क्वालिटी होगी आपकी। गारमेंट्स तो आपको बताया था, हमारा गारमेंट्स तो बहुत मशहूर है। लेडीज टॉप 99 रुपीज, लेडीज प्लाजो लोअर 99 रुपीज, लेडीज लॉन्ग टी शर्ट, नाइट टी शर्ट भी बोल सकते हैं इसको आप, लेडीज लॉन्ग टी शर्ट ओनली फॉर 99 रुपीज की, जो कि बाजार में आपको 250 की मिलेगी आपको। और लेगिंग जिसके अंदर हमारे पास 60 डिजाइन आती हैं, केवल 99 रुपीज की लेगिंग और जैगिंग। गारमेंट्स की एक रेंज और होती है लेडीज शॉर्ट टॉप, जिसके अंदर आपको डिजाइन मिलेंगे कम से कम 70-80 डिजाइन, सारे डिजाइन दिखा नहीं सकते आपको। ये क्वालिटी दिखा दी आपको, फिटिंग दिखा दी, फिटिंग देखो आप क्वालिटी की। ऐसे ही प्लाजो है, इसके अंदर 60-70 डिजाइन मिलेंगे, फिटिंग देखो आप क्वालिटी की। ये 99 का टॉप है, 99 का प्लाजो है। मॉर्निंग वॉक ड्रेस, मॉर्निंग वॉक कह दो आप, नाइट वेयर कह दो, प्योर होजरी लोअर, जो कि बिल्कुल शिकायत नहीं है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, प्योर होजरी टॉप, 99 का टॉप, 99 का लोअर। मैक्सी गाउन बोलते हैं, कई कई मैक्सी बोलते हैं, कॉटन फैब्रिक, होजरी फैब्रिक 99 रुपीज़ की। वो थी होजरी मैक्सी, ये है कॉटन मैक्सी, आपको ये सैंपल भी दिखा देते हैं। मैंने कहा कुछ कमी ना रहे, कलर मैचिंग इसमें बहुत मिलेगी आपको, ये सैंपल भी दिखा देते हैं आपको। ये कॉटन मैक्सी है, नहीं मिलेगा गारमेंट्स में ऐसी क्वालिटी, नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। लो 99 के अंदर लॉन्ग टॉप, 99 के अंदर फैंसी जैगिंग, कहीं नहीं मिलेगी ऐसी क्वालिटी आपको 99 रुपीस। दोस्तों इनके सबसे पहले मैं रिटेल के आउटलेट में आया हुआ हूँ, इस तरह का यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, इस तरह का यहाँ पर भी आप आउटलेट खोल सकते हैं। किस तरीके से कैटेगरीज वाइज हर प्रोडक्ट को अलग अलग सेक्शन में रखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे आइटम है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इनका एक काउंटर सेशन है, यहाँ से बिलिंग वगैरह होती है, बिलिंग का काम होता है, जो भी कस्टमर्स यहाँ से परचेज करके जाते हैं तो वहाँ पर पूरा एक नंबर का काम होता है, एक पर्ची काट के दी जाती है उनको। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा यहाँ पर वॉचेस वगैरह रखी हुई हैं, गोगल्स वगैरह रखे हुए हैं, फैंसी सब कुछ आइटम रखे हुए हैं यहाँ पर, सारे बिलो 99 के हैं। और जितने भी यहाँ पर आप वॉचेस देख रहे हैं, सारे एनालॉग भी है, डिजिटल भी है, छोटे के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, स्पोर्ट्स भी हैं, मतलब हर तरह के आइटम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेडीज़ आइटम भी है, लेडीज़ वॉचेस भी हैं। तो मैम से एक बार मैं कन्फर्म करना चाहूँगा, तो मैम एक बार बताइए कि जितने भी आपके पास आइटम है ये सारे बिलो 99 है या फिर इससे एबल, मेरे को लग रहा है कि ये 250-300 या उससे ऊपर का होगा। नो सर, ओनली 99 रुपीज़ में ये सारे जितने भी, इसमें कोई भी चूज़ कर सकता है कस्टमर। वाह क्या बात है दोस्तों, मतलब इसमें से आपकी चॉइस है, मतलब आप अपने कस्टमर को चॉइस दे सकते हैं अपना स्टोर इस तरह का ब्रांडिंग स्टोर खोल के। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी नंबर ऑफ रेंज इतनी सारी है, आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आप लें। ठीक है, ये तो सिर्फ एक कैटेगरी के एक वॉचेज़ हैं, इसके अलावा आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे आइटम, स्टेशनरी के भी कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं, कुछ जियोमेट्रिक बॉक्स वगैरह भी रखे हुए हैं, तो ये भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये भी 99 का पड़ने वाला है। मैम इसका क्या कॉस्ट होगा?
99 का एक सिंगल पीस है, ये देखिए दोस्तों ये आपको सिंगल पीस है। और इसके अलावा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पर देखो बहुत सारे वॉचेस वगैरह हैं। और इस तरह के देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे दोस्तों आइटम, यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह हैं। तो मेरे ख्याल से 99 का तो नहीं होगा, उससे भी चीपेस्ट होगा। तो मैडम एक बार बताएंगे कि यहाँ पे जो रिंग्स वगैरह रखी हुई हैं तो इसकी क्या कॉस्टिंग आने वाली है? यहाँ पर जो फैंसी रिंग्स वगैरह रखी हुई है लेडीज़ या जेंट्स वगैरह की, 50 का पेयर है सर। 50 का पेयर, दो पीस मिलेंगे? ये 50 का। ओके, ये भी 50 का पेयर है, ये 100 का वन पीस है। ओके ओके, ये 100 के पेयर है। ओके ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज दी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम दिए हुए हैं जो कि गिफ्ट के लिए काफ़ी यूजेबल आइटम है, गिफ्ट में आप दे सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एक की चेन की रेंज लगी हुई है। तो दोस्तों आगे आइए, मैं आपको सेक्शन वाइज दिखाता हूँ यहाँ पर कितने सारे इनकी रेंज लगी हुई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरा एक रैक बना हुआ है, यहाँ से कोई भी आप आइटम चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्लीनिंग के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ पोचे वगैरह रखे हुए हैं। तो आप, मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा, एक इनका स्टोर दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कि कितना बड़ा इनकी रेंज होने वाली है। बहुत बड़ा एक स्टोर खुला हुआ है, इस तरह का आप स्टोर खोल सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करना होगा, क्या करना होगा, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या क्या रेंज होने वाली है। देखो दोस्तों, यदि कोई भी एक बार आपके रिटेल के आउटलेट में कोई भी कस्टमर आता है तो यहाँ से कोई एक आइटम लेकर नहीं जाएगा। कोई एक आइटम यदि लेने आता है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उनके फैमिली में इतने सारे लोग होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ उसको पसंद आ ही जाएगी। यहाँ पर बहुत बड़ी एक रेंज रखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए क्लोथिंग के इतने सारे आइटम हैं। एक बार देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी रेंज है, आप देख सकते हैं, देखिए कितनी बड़ी रेंज है। और ये सिर्फ अंडर बिलो 99 के होने वाली है, लेकिन ये आपको 99 का नहीं पड़ने वाला, ये आपको पड़ने वाला है, आपको कितने प्राइस में पड़ने वाला है वो मैं आपके आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको कितनी कॉस्टिंग पड़ने वाली है। देखिए यहाँ पे कुछ नाइट सूट्स वगैरह दिए हुए, आप देख सकते हैं, लेडीज़ के, जेंट्स के, मेल के, फीमेल के, छोटे से लेके बड़े तक बहुत बड़ी रेंज है दोस्तों। यहाँ से लेके आप देख सकते हैं बहुत बड़ी रेंज वहाँ तक लगी हुई है, हर कैटेगरी के आइटम मिल जाएंगे। मतलब कि एक बार आपके यहाँ पर कोई भी कस्टमर आता वापस नहीं जाने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पोर्ट्स के बहुत सारे आइटम रखे, यहाँ पर बॉल्स रखी हुई हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ये क्या आइटम है, देखिए कुछ ये मेरे ख्याल से ये, अच्छा ये हवा भरने के लिए, प्रेशर के लिए, जब टायर किसी आपके कस्टमर का पंचर हो जाता है तो उसमें यहाँ से वो होलसेल रेट में आगे लोगों को ये प्रोवाइड करवा सकते हैं। यहाँ पे हॉकी रखी हुई है, बैट रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी आइटम दोस्तों सारे स्पोर्ट्स के आइटम, यहाँ बैडमिंटन रखे हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप एक बहुत बड़ी रेंज है, आप यहाँ पर टॉयस की बहुत बड़ी रेंज है। एक बार मैं मैडम से, एक बार इनके स्टाफ से मैं कंफर्म करना चाहूँगा, तो मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि 99 में भी ये चीज़ अवेलेबल हो सकती है, आप अपने कस्टमर को अवेलेबल करवा सकते हैं। तो मैडम मैं आपसे एक बार जानना चाहूँगा कि ये जो रेंज है तो ये भी 99 में, ये 99 रुपीज़ का है। और ये जो पिलो हैं ये वन पड़ेगा 99 का, टू पीसेस पड़ेंगे? ये टू पीस पड़ने वाले हैं। और ये जितने भी यहाँ पे स्पोर्ट्स, ओके, और ये जो टॉयज़ वगैरह, ये रेबिट्स वगैरह हैं जितने भी, ये सारे 99 में? क्या बात है, बहुत बढ़िया है दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी रेंज लगी हुई है इनकी, ऊपर क्लोथिंग है, वहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं। टी शर्ट भी वही, आप यदि आप रिटेल में कहीं पर लेने जाते हैं तो ये टी शर्ट आपको 250 रुपये, 300 रुपये की पड़ती है। तो मैडम वो भी 99 में? क्या बात है, एक बार इधर दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिए मैम, ये सारे 99 में? देखिए दोस्तों इस तरह का आप रैक पूरा काउंटर खोल सकते हैं और इस तरीके से आप लगा सकते हैं। जी बताइए। अच्छा ये जेंट्स हैं, अच्छा लेडीज़ भी होंगे? दोस्तों मैं आपको लेडीज़ भी दिखाऊंगा, ये सारे जेंट्स के आइटम हैं, छोटे से लेके बड़ों तक हर तरह की आपको वैरायटी मिल जाएगी, हर तरह की क्वालिटी मिल जाएगी, वो भी जस्ट आपको 99 में। आपको 99 का नहीं पड़ेगा, आपको डिस्काउंट के बाद आपको क्या डिस्काउंट मिलने वाला है दोस्तों, आप किस तरीके से फ्रेंचाइजी वगैरह ले सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पे जेंट्स का आइटम है, और उधर देख सकते हैं, मैं आपको कैमरामैन को बोलना चाहूँगा, वहाँ पर दिखा सकते हैं बहुत बड़ी रेंज लगी हुई है। वहाँ पर जितने भी आइटम हैं वो कुछ लेडीज़ के आइटम हैं, तो इधर देख सकते हैं कुछ लेडीज़ के कुछ अंडरवियर, कुछ आइटम यहाँ पर रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। मैम अगर बताएंगे क्या क्या आइटम है यहाँ पर, क्या क्या अवेलेबल है और क्या कॉस्टिंग रहने वाली है उनकी? ये मेज के कवर 99 की रेंज में। अच्छा ये मेज के कवर रहने वाला है 99 में। और दोस्तों ये जितने भी आइटम हैं आप फ्रेंचाइजी जो लोग लेना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए है। फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको कितनी कॉस्टिंग मिलने वाली है वो भी जस्ट आपको हर प्रोडक्ट आपको 20% का आपको मार्जिन मिलने वाला है। यानी कि जो आपको 99 का आइटम बताया जा रहा है वही आइटम आपको 80 रुपीज़ का पड़ेगा। मतलब उसी आइटम को आप 99 में आगे मार्केट में उतार सकते हैं, अपनी रिटेल का आउटलेट एक खोल सकते हैं, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं बहुत बड़ा स्टोर खोल सकते हैं। इस स्टोर को खोलने के लिए दोस्तों कितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ी रेंज लगी हुई है। यहाँ पर कॉस्मेटिक के आइटम हैं, कुछ ऐसे आइटम हैं जो घर में FMCG के भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी डेली डिमांड होती है। और लेडीज़ के भी कुछ ऐसे आइटम हैं जो एक बार मैं मैडम से पूछना चाहूँगा कि मैडम एक बार बताएंगे हमें कि ये क्या क्या आइटम है और उसकी क्या किस रेंज में होंगे?
हाँ जी, पाउडर है नाइसिकुल 99 के दो टू पीस। दोस्तों 99 के वन पीस नहीं है, मैडम बता रही है टू पीसेज हैं, तो आपको 99 में टू पीसेज मिलने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ 99 में आपको नहीं मिलने वाले, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक इस तरह का रिटेल का आउटलेट अपना खोलना चाहते हैं। फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखते रहना होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर एक रेंज लिपस्टिक की रखी हुई है। तो मैम ये क्या 99 में कितने पीसेज मिलेंगे? ये 99 में 5 पीस। 99 में दोस्तों 5 पीसेस मिलेंगे। और मैडम थोड़ा एक बार हमारे ऑडियंस को आइटम बता दीजिए जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जो रिटेल में ज़्यादा कस्टमर आपसे क्या डिमांड करते हैं, किस चीज़ के बारे में डिमांड होती है? 99 में 1 पीस है परफ्यूम। ये परफ्यूम है, इसकी 99 का 1 पीस पड़ेगा। और बताइए। ये 99 में 1 पीस है पाउडर। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इस तरह का डर्मिकुल, इस तरह के पाउडर्स वगैरह आते हैं जो कि गर्मियों में काफ़ी डिमांड हो, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियाँ वगैरह आने वाली हैं। तो इस तरह दोस्तों बहुत सारी रेंज लगी हुई है, सबके बारे में वन बाय वन बताएंगे तो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। बॉडी लोशन 1 पीस। ये बॉडी लोशन भी आपको 1 पीस मिल जाएगा। मैम कितना वेट होगा इसमें? 500 ml का। ये देखिए यहाँ पर ज्वेलरी रखी हुई है, तो मैम ज्वेलरी का क्या रेट होगा? 2 पीस का मतलब 1 पेयर। दोस्तों 99 में 1 पेयर नहीं, मतलब कि आपको इस तरह के, देखिए 99 में 2 लोगों के लिए ये अवेलेबल है। तो इस तरह की बहुत सारी रेंज रखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेल्ट्स वगैरह भी हैं, मतलब हर एक आइटम आपको मिल जाएगा, जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। ये देखिए दोस्तों नेकलेस है, आर्टिफिशियल नेकलेस है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ी रेंज है, यहाँ से लेकर नीचे तक बहुत बड़ी रेंज मिल जाएगी आपको। और बहुत सारे ऐसे आइटम हैं यहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हैं, कुछ परफ्यूम्स हैं, डीओ वगैरह हैं, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर। जैसे कुछ क्रोकरी, कुछ बर्तन वगैरह, या फिर ये देख सकते हैं आप यहाँ पे प्लास्टिक के आइटम वगैरह रखे हुए हैं, कप वगैरह हैं, प्लास्टिक वगैरह हैं, जितने भी आइटम आप देख पा रहे हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक, मैम कितने पीसेज होंगे इसमें, कितने का पड़ेगा? दोस्तों आप देख सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ का 12 पीस मिलेगा। तो इस तरह के बहुत बड़ी रेंज है, सबके बारे में दोस्तों मैं बता रहा हूँ, दोबारा बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो हर कैटेगरी में हर किसी का अलग अलग एक आउटलेट खुला हुआ है, और हर किसी प्रोडक्शन की अलग अलग रेंज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक बार आप, मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा एक बार इधर दिखा दीजिए, यहाँ पर एक बर्तनों की बहुत बड़ी रेंज है, वो भी जितने भी आइटम है दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे आइटम, एक आइटम आपका 99 का हो सकता है 99 के आपके 2 पीसेज भी हों, 3 पीसेज भी हों, 4 पीसेज भी हों। ये जानकारी दोस्तों आपको तभी मिल पाएगी इस वीडियो के बारे में कंप्लीट, जब तक आप यहाँ पर विजिट नहीं करेंगे। विजिट करने के बाद ही आपको इनके क्वालिटी का पता लग पाएगा, प्रोडक्ट की रेंज का पता लग पाएगा कि इनके पास आखिर कितने तरह की वैरायटी होगी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर हज़ारों तरह की दोस्तों वैरायटी है। तो दोस्तों आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनके पास किस तरीके से आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने एक कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने जीवन में आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी आपने यहाँ पर स्टोर देखे हुए हैं, पूरे 11 के 11 जितने भी यहाँ पर इनके स्टोर हैं, और भी काफ़ी जगह स्टोर हैं, लेकिन हम सबके बारे में दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और स्पेशल सर से मिलने के आया हूँ मैं हरियाणा में, हिसार में। और दोस्तों ये होलसेलर के भी होलसेलर हैं, मतलब 99 का जो स्टोर है, जो होलसेल में आके लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी यहीं से माल यहाँ से परचेज करते हैं। और दोस्तों मेन होता है क्वालिटी, मतलब आपको 99 में तो स्टोर कोई भी खोल ओपन करके दे देगा, लेकिन मेन होता है आपको, हो सकता है आपको क्वालिटी बेकार से मिल जाए। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया हूँ दोस्तों, ये हमारी दूसरी वीडियो बन रही है आपके कहने पर, बहुत सारे लोगों कमेंट आ रहे हैं कि डिफरेंट वैरायटी दिखाइए, एक बार दोबारा यहाँ पर जाया जाए। तो सर से स्पेशल मिलने आया हूँ मैं, सर आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, हमारे ऑडियंस के लिए इतना टाइम निकाला, जैसा कि मैं देखता हूँ यहाँ पर हमेशा आपका रश लगा रहता है। तो सर मेन मुद्दे की बात करते हैं कि ये फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। और आपके जितने सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद फ्रेंचाइजी फीस पूछ रहे हैं आप जी। ये फ्रेंचाइजी हो सकती है जी आपकी 10 लाख में स्टार्ट जी। ओके। हाँ जी। ओके, 10 लाख में स्टार्ट होगी। तो सर 10 लाख तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तो 10 लाख में आप क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं हमारी ऑडियंस को? 10 लाख में जी 400 आइटम है जी, गारमेंट्स हैं, हैंडलूम है, फुटवेयर है, टैडी टॉय, स्टील बर्तन, प्लास्टिक, क्रोकरी, स्पोर्ट्स, काफ़ी आइटम है 10 लाख के अंदर। तो दोस्तों ये जो 10 लाख हैं, 10 लाख में आपका कोई इसमें अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब 10 लाख के अंदर ही पूरा आपका पूरा आपको स्टॉक मिलने वाला है, साथ में पूरा स्टॉक मिलेगा, और स्टॉक के साथ में आपको पूरा ब्रांडिंग मटेरियल मिलने वाला है, पूरा किस तरीके से पंपलेट मिलेंगे और क्या क्या मिलेगा सर उसके अलावा ब्रांडिंग मटेरियल में क्या क्या मिलने वाला है? इसमें हम डिस्प्ले करवाएंगे, मार्केटिंग करवाएंगे, ब्रांडिंग करवाएंगे, GST फ्री देंगे, और लड़के जाएंगे हमारे 2-3 दिन पूरा काम सिखा के आएंगे सामने पार्टी को, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और जो आप बता रहे हैं 10 लाख में, अभी ट्रांसपोर्टेशन फिर चार्ज अलग से बेयर करना पड़ेगा? नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑल इंडिया फ्री है 10 लाख में जी। अच्छा, वाओ क्या बात है। तो सर इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन, जैसा कि आपने बताया कि हर एक प्रोडक्ट पे 20% का या फिर उससे भी कुछ और भी है? नहीं, नेट प्रॉफिट इसके 20% आएगा जी आपका। अच्छा, कस्टमर का
अच्छा, जितने भी दोस्तों मैंने आपको आइटम बताए वो सारे 80 रुपीज़ के हैं और इसे आप मार्केट में 99 का उसे आप सेल आउट कर सकते हैं। सबके अलग अलग कंडीशन है, हर प्रोडक्ट के अलग अलग कंडीशन है। कोई आइटम तो ऐसे हैं कि 80 रुपीज़ में 4 पीसेज भी हैं, कुछ आइटम ऐसे भी हैं कि 80 रुपीज़ में 2 पीसेज भी हैं, और कुछ आइटम ऐसे भी हैं जो 80 रुपीज़ में ओनली 1 पीस पड़ने वाला है। ऐसे ही आप मार्केट में 99 में स्टोर में आप सेल आउट कर सकते हैं। और सर मैं एक और चीज़ कन्फर्म करना चाहूँगा कि देखो कंपटीशन हर जगह बढ़ता जा रहा है, हर कोई इंसान चाहता है कि मैं भी स्टोर खोलूँ, मैं भी स्टोर खोलूँ। अगर एक बंदा पर्टिकुलर एक जगह स्टोर खोलता है, जैसे मैं अपने एरिया में खोल लेता हूँ, उसके बाद आपसे कोई दूसरा बंदा फ्रेंचाइजी लेता है तो वो भी उसके बगल में खोल सकता है, तो क्या ऐसा मुमकिन है? या फिर कोई इसका एरिया है कि एक बंदा खोलने पर भी दूसरे एरिया में? नहीं, 25 किलोमीटर हर फ्रेंचाइजी का हमारा डिफरेंस रहेगा, हम उसको 25 किलोमीटर बाद ही मिलेगी किसी एजेंसी। अच्छा, और एक बात और कहना चाहूँगा, सस्ते में चक्कर में मत रहना, ना तो ग्राहक दोबारा आपके पास आएगा ना आप हमारे पास आओगे। हमारे से काम करोगे, ग्राहक भी आपके पास आएगा, आप भी हमारे पास आते ही रहोगे। बहुत अच्छी बात है सर। और मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर अगर किसी के पास 10 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर कोई छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहता है तो उसका भी कुछ है या फिर 10 लाख ही इन्वेस्टमेंट है? नहीं, उसका भी कुछ कर देंगे, पार्टी को कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे से कॉल करें, बातें करें, आपको सारा कुछ समझा देंगे आपको। दोस्तों कुछ बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वीडियो में रिवील नहीं की जा सकती। यदि आपके पास बजट की कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो सर से एक बार मिलिए, सर आपको आइडिया देंगे, बिजनेस आइडिया देंगे किस तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक लो इन्वेस्टमेंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको 10 लाख इन्वेस्ट करने हैं। सर से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्टैक्ट ना करें, कॉल ना करें, डायरेक्ट यहाँ पर आइए, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप पहले प्रोडक्ट तो देखिए, पहले मार्केट में डिमांड समझिए, मार्केट में क्या डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड है, मार्केट में क्या ऐसे प्रोडक्ट चल रहे हैं जिनकी आगे मार्केट में सेल आउट होने वाले हैं, क्या क्वालिटी रहने वाली है। तो ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगी, आप आएगी, जब तक आप यहाँ पर स्टोर में आते नहीं है, विजिट नहीं करते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे पहुँच सकते हैं आप। और ये जो दोस्तों इनका जो स्टोर है वो हरियाणा में है, हिसार में है। सर आपको पूरा लोकेशन बता देंगे, सर क्या बताएंगे, मैं ही आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का गूगल लोकेशन का मैप डाल देता हूँ, आप यहाँ पर बहुत इजी तरीके से पहुँच सकते हैं और एक अपना बिजनेस, अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं फिर किसी नए दूसरे बिजनेस की तलाश में, फिर किसी नए दूसरे आइडिया की तलाश में, जिसको करके आप अपना एक करियर बना सकें, अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम।